हाँ जी किसान भाइयों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको हरे चारे के बारे में कुछ बताने वाले हैं। ये हरा चारा कौन सी वैरायटी है, कितने दिनों में तैयार होती है, कौन सा बीज है, कहाँ से लाए हैं। उससे पहले आप एक बार ये देखें कि कैसे दिख रहा है आपको हरा भरा चारा, देखने में कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत कम दिनों का है ये और इतनी हाइट हो चुकी है इसकी। अभी आपको इसकी हाइट भी दिखाते हैं हम। और इतना हमने ये देखो, अभी हमारी 6 फीट की हाइट है और हमारी हाइट से करीब 2 फीट तक ऊपर है ये। टोटल मिला के 7 से 8 फीट की लंबाई इस चारे की हो चुकी है। और इतना लंबा होने पर बहुत सख्त हो जाते हैं, लेकिन अभी तक भी मुलायम चारा है बिल्कुल। और नीचे जड़ों तक देखो हरा है, ये देख सकते हो कितना हरापन है इसमें, कोई भी पत्ता सूखा नहीं है ऊपर। ये नीचे थोड़ा घास के बारिश ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ है। और ये जो देख पा रहे होगे आप, इधर हमारा खेत, ये जितना काटा हुआ है इसके अंदर से हमने ये एरिया, ये 7-8 दिन में हमने इसमें काट भी लिया है। 7-8 दिन हो गए हमें काटते हुए इसको। 41 दिन का हुआ था जब काटना स्टार्ट कर दिया था हमने, और आज हो गया 48 दिन का। ये देख सकते हैं आप इसके कितनी मोटाई है इस पौधे की, और फिर भी एकदम से लचीलापन है, मुलायम है और लकड़ियों जैसा नहीं है, बहुत मुलायम है। वैसे और कोई भी हाइब्रिड बीज लाते हैं, हमने अभी लाकर बोया था इससे पहले, 3 फीट की इसकी हाइट हुई थी लेकिन लकड़ियां बन चुकी थी, वो डंगर भी नहीं खाते थे, आधा बीच में ही छोड़ देते थे। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है, आप लोग भी अगर हमारे आसपास के नज़दीक के हैं तो हमारे शहर में ये बीज तो आसानी से मिलता है, आप भी ले सकते हैं। तो ये और इसकी लंबाई लग रहा है और भी बढ़ेगी, अभी इतना मोटा भी है देखो पौधा, हाइट भी है और अभी लचीलापन भी इसके अंदर देखो। इसके आगे सारी हाइब्रिड वैरायटी फेल हैं हमारे सामने। तो हमने तो इसको लाकर बोया 2 जून को बोया था इसको, और आज 20 जुलाई हो चुकी है। अब हम एक फसल और दिखाते हैं आपको, ये जो आप सामने देख पा रहे हो भिंडी के पौधे दिख रहे होंगे आपको, ये भी सेम हमने 2 जून को बोए थे, ये भी और चरी एक साथ। वहाँ बीज चरी का लेने गए थे तो हमने ये लिया, मात्र मात्र 10 रुपये का बीज है ये, और कितने सारे पौधे हो गए, जितने बीज थे सारे ही जर्मिनेशन हो गई, बहुत अच्छी जर्मिनेशन थी इसकी। इससे पहले हम 2 बार भिंडी बो चुके थे जो हमारी हुई नहीं है, जमी नहीं थी बिल्कुल भी। हमने सोचा अब तो नहीं बोएंगे, लेकिन जब जिस दिन चरी का बीज लेने गए हम, तो उस टाइम फिर वहाँ बीज दिख गया, तो हमने सोचा चलो 10 रुपये का बीज ही है, बो देते हैं, अगर होंगे तो हो जाएंगे। और ये भी अभी 48 दिन की भिंडी हुई है हमारी, और आप देख सकते हो कितनी चुस्त फुस्त है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है इसको। और एक बार हम इस पर तोड़ भी चुके हैं, एक बार सब्जी खा चुके हैं इसके इस पौधे की। इनका भिंडी के बीजों का पता तो नहीं है वैरायटी कौन सी है, लेकिन है अच्छी बहुत। अभी एक बार तोड़ चुके हैं और फिर छोटी छोटी भिंडी हो गई है, फिर तोड़ने वाली कल तक फिर हो जाएंगी दोबारा से अच्छी काफ़ी भिंडी। ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया पौधे दिख रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे लाइक करना, शेयर करना, और आगे और लोगों को भी पता चले इसके बारे में।